गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि आज हमारा देश या पूरा विश्व सबसे ज़्यादा दो चीज़ों से परेशान है, एक तो फ्लड और एक ड्राफ्ट, यानी बाढ़ और सूखा। हमें समझना है यह हमारा भूगोल जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी यह इतना इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट है, इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है। हमारे जीवन की शुरुआत ही होती है धरती पे, हम जन्म भी धरती पे ही लेते हैं। हमारे कपड़े, हमारे खाने के लिए अन्न, एरोप्लेन, रेलगाड़ियाँ, बस, ट्रक, सारी चीज़ कहाँ पे चलती है? धरती पे चलती है या एयर में चलती है? ऐसा तो है नहीं कि प्लेन एयर में चलता है तो कंटिन्यू एयर में ही चलता है और आसमान से कभी नीचे धरती पे आएगा ही नहीं। यह जो बाढ़ जो है, बाढ़ आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है और सूखा पड़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? असंतुलन, अनबैलेंस, असंतुलन। यानी अनबैलेंस, असंतुलन का मतलब होता है किसी भी फील्ड में, हम पढ़ाई करने से लेके, खाना खाने से लेके, जनसंख्या से लेके, मोटर व्हीकल के इंक्रीमेंट से लेके, प्लांट्स को काटने से लेके, पेड़ पौधों को काटने से लेके, एनिमल्स को मारने से लेके, हर चीज़ में जहाँ भी असंतुलन आएगा, हमारी सृष्टि में हर जगह हर चीज़ अस्त व्यस्त हो जाएगी। और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? इंसानों पे। क्योंकि जितने भी चीज़ का निर्माण होता है, जितने भी चीज़ हमारे सृष्टि में हैं, सारे चीज़ के केंद्र बिंदु में क्या है? इंसान। हम मकान किसके लिए बनाते हैं? हाउस किसके लिए बनाते हैं? मकान किसके लिए बनाते हैं यानी घर। रोड किसके लिए बनाते हैं? कंपनी किसके लिए बनाते हैं? यातायात किसके लिए बनाते हैं? हम अनाज किसके लिए उपजाते हैं? ये सारी चीज़ें हमारे इंसानों के लिए होती है। इन सारे चीज़ों के कर्ता कौन है? हम स्कूल क्यों बनाते हैं? हम हॉस्पिटल क्यों बनाते हैं? ये सारी चीज़ें इंसान के द्वारा इंसान के लिए बनाई जाती है। हमारी सबसे ज़्यादा असंतुलन का कारण है हमारा तीव्र विकास। हम तीव्र विकास के वजह से हम इस बात को भूल गए हैं कि जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं या पहाड़ को तोड़ रहे हैं या ज़मीन की खुदाई करके उसमें मेट्रो या डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं या अपने आसपास इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, आखिर हमें यह सोचना है कि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री की कंपनी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमें किसी भी चीज़ का रीज़न जानने के लिए यह समझना है क्या? किसी भी चीज़ का हमें रीज़न जानने से पहले यह समझना है कि आखिर इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आवश्यकता पड़ने का एक ही कारण है, हम काम क्यों करते हैं? हम काम इसलिए करते हैं कि हमारे कुछ ज़रूरतें होती है
उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। पैसे हमें तभी आएंगे जब हम काम करेंगे। तो काम करने का हमारा उद्देश्य क्या है? पैसे अर्न करना। पैसे अर्न करने का उद्देश्य क्या है? जीवन को एक सुचारू रूप में चलाना। हमें खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, स्कूल जाने के लिए, यातायात के लिए, हर चीज़ के लिए हमें पैसे चाहिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। ऐसे ही जैसे जैसे हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही है, यह जो जनसंख्या पॉपुलेशन, यह जनसंख्या जिस रेशियो से हमारी बढ़ रही है, इस रेशियो से हम हर चीज़ को पूरा करने के लिए हम प्लांट्स को, हम पहाड़ को, हम ज़मीन की खुदाई करते जा रहे हैं, हम मकान बनाते जा रहे हैं, हम पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं, हम अनाज के लिए जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, हर किसी को भोजन की आवश्यकता है। वो भोजन की आवश्यकता कैसे फुलफिल होगी? क्योंकि जितने हमारे लैंड हैं, जितनी हमारी भूमि है, उस भूमि से जो अनाज आ रहे हैं, उतना से जिस रेशियो से जनसंख्या बढ़ रही है, उनके लिए ये पूर्ति करना संभव नहीं है। इसके उपरांत हम क्या करते हैं? हम पेड़ पौधों को काटते हैं, जंगल को काटते हैं, और उन भूमियों को खेती लायक बनाते हैं। जब हम खेती लायक बनाते हैं, एग्रीकल्चर के लायक बनाते हैं, तो हमारे धीरे धीरे पेड़ पौधे कम होते हैं, तो उन जंगलों में जो हमारे वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर रहते हैं, उनके रहने का घर क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। जिन कारणों से वो अपने जंगल यानी घर से निकल कर रोड पे, और जहाँ पे मानव जनसंख्या बस्ती निवास करती है, जिस बस्ती में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ पे वो आ जाती है। आए दिन आप सोचते होंगे उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में कि इन शहरों में तेंदुआ आ गया। आखिर आने का रीज़न क्या है? हाथी आ गया। कर्नाटक में बहुत बार आप सुना होगा कि हाथी आ गया और यहाँ पे पूरी तोड़फोड़ किया। तोड़फोड़ करने का यह क्षेत्र है कि उनके लिए जो रिजर्व थे, जो रिजर्व उनके लिए जो भूमि थी, जो जंगल थी, हम उसको काटते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? हमारे मानव जाति पे, हमारे पोल्यूशन पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, और दिन प्रतिदिन पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। आज हमारी दिल्ली की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि यहाँ पे NCR में 35-40% जो महिला हैं, स्त्री हैं, वो कैंसर से ग्रसित है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दिल्ली जो है, यह जो हमारे दिल्ली है, इसके NCR में ये हमारे तीन ओर से हरियाणा से जुड़ा हुआ है, एक ओर से हमारा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जिया हुआ है हरियाणा, 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 तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब दिल्ली में हर इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है जो पहले चलती थी। इतना था कि दिल्ली में तो डीजल पेट्रोल वाले टेम्पू या जितने भी गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर हैं, इनको भी बंद किया गया है। कुछ ऐसे गाड़ियां हैं जो डीजल पेट्रोल से चलती हैं। इसका कारण है कि एक तो दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उस पर से दिल्ली के NCR में आसपास में हमारी कंपनियां सबसे ज़्यादा हैं। उस कंपनियों से जो धुआं निकलती है, आखिर इतने कंपनियों को वहाँ बैठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 3 साल में कंपनी बैठाने के, 4 साल में कंपनियां बैठाने का जो रेशियो है, वह 20% रेशियो ज़्यादा हो गया है। 20% इतना रेशियो, आखिर इतना रेशियो ज़्यादा होने का कारण एक ही चीज़ है कि जो हमारी जनसंख्या है, इस जनसंख्या की जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए इन कंपनियों को हम बैठा रहे हैं। इन कंपनी के माध्यम से जो भी प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, वह आम पब्लिक, आम जो हमारी जनसंख्या है, आम आदमी की जो रोज़मर्रा जीवन की जो हमारे साधन है, उसको फुलफिल किया जाएगा। इन्हीं कारणों से हमारा इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। आज देखिए बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आपको महाराष्ट्र में,
उड़ीसा में इन सारे जगह बाढ़ का प्रकोप इतना भयंकर है कि कहीं पे 10 लाख, कहीं पे 20 लाख, कहीं पे 30 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग मर गए। ये तो बाढ़ खत्म होने के बाद जो अकाल आएगी, अकाल का मतलब होता है सारे हमारी अनाज थी जो खेती थी वो तो बर्बाद हो गई। उन बर्बाद होने के बाद भी जब पानी हटेगा 1 मंथ 2 मंथ बाद, तो पुनः उन लोगों की भोजन की आवश्यकता होगी। अब पूरी फसल तो बर्बाद हो गई, अब फसल बर्बाद हो गई तो फिर जो भी स्टॉक करके रखे होंगे फसल, उनकी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमें यह सोचना है कि हमें देश की उन्नति के साथ साथ हमें अपने देश के एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। इस एनवायरमेंट का ध्यान तभी रख सकते हैं जब हम अपने जनसंख्या पे कंट्रोल रखें। सिंपल सा एग्जांपल है, आपका एग्जांपल लेता हूँ। आज से 20 साल पहले आपके दादाजी होंगे, उनके पिता होंगे, उनके पिताजी के पास अगर 20 बीघा ज़मीन थी, उनके 2 बेटे हो गए, तो 20 बीघा से डिवाइड होकर 20 बीघा है, इनके 2 बच्चे हैं तो कितने हो गए, 10 और 10। इनके अगर 3 बच्चे हो गए, 3.3, 3.3 और 3.3। इनके अगर 4 बच्चे हो गए तो 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। अगर इनके 2 बच्चे हो गए 1.25, 1.25। आप देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसको आने में 30 साल लगेंगे। यानी 30 साल में जिसके पास 20 बीघा था वह कितने हो गए, 1.25 बीघा। अब आप सोचिए, जिस रेशियो से जनसंख्या बढ़ रही है, इस रेशियो से एक समय ऐसा आने वाला है कि हर इंसान के पास मात्र एक रूम लायक ही ज़मीन होगा। एक रूम में 3 आदमी रहेंगे, वे, उनकी वाइफ और उनके बच्चे। मदर फादर को भी रहने के लिए रूम नहीं मिल पाएगा। यह हमारा सबसे बड़ा कारण, हम कितना भी विकास कर ले, हम अपने देश की तरक्की के बारे में कितना भी सोच ले, पर हमें तरक्की करने के लिए सबसे पहले हमारी जनसंख्या पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। आज चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। आज सबसे ज़्यादा क्राइम हो रही है, आज सबसे ज़्यादा लूटमार हो रहा है। आप न्यूज़पेपर में देखिए, डेली हिस्से के लिए भाई ने भाई को मारा, पड़ोसी ने उसको मारा, इसकी ज़मीन को इसने छीना, इसका रीज़न क्या है? हमारे में असंतुष्टि। हम जितने ज़्यादा असंतुष्ट रहते हैं, हम उतने ज़्यादा गलत कामों को बढ़ावा देते हैं। कुछ हमारे चीज़ है जैसे नवीकरणीय, अनवीकरणीय, रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल में क्या होगा, वैसे चीज जैसे पानी, लाइट, हवा, रिन्यूअल होते रहते हैं एट ए रेंडम। यह चीज रिन्यूअल होते रहते हैं, इसका हम यूज करते हैं तो ये खत्म नहीं होंगे। पर जैसे हम पेट्रोलियम गैस का यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, सीएनजी, इसको बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, जितनी जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा यूज होगी। आज एक घर में 4 पीपल्स हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो 4 4-व्हीलर है। एक पार्टी में जाना है तो चारों अलग अलग गाड़ियों से जाएंगे, चाहे तो एक गाड़ी से भी चारों जा सकते हैं। उनके लिए जो फ्यूल का यूज हो रहा है, जो तेल का यूज हो रहा है, जहाँ 1 पार्ट होनी चाहिए वहाँ 4 टाइम्स हो रहा है। यही कारण है असंतुलन की वजह से चारों तरफ बाढ़ आ रहा है, चारों तरफ सूखा हो रहा है। विदर्भ में सूखा आ जा रहा है, इन चारों तरफ बाढ़ आ जा रहा है। ऐसे ही नदियों का जल स्तर बढ़ता रहा, इससे टेम्परेचर हमारी क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी।
जो टेम्परेचर हमारा जो क्लाइमेट है वो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जिससे ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है। जितने भी नदियों का पानी है फाइनली वो बह कर जाकर समुद्र में ही मिलता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के पास में जो हमारा द्वीप था, आइलैंड था, फाइनली वो जलमग्न हो गया। यही स्थिति रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। प्रलय होना फिक्स है, क्योंकि इंसान इंसान की आवश्यकताओं को समझ ही नहीं पा रहा है। इंसान कोऑपरेट करके तरक्की करना ही नहीं चाह रहा है। जिसकी जन्म हो चुकी है उसको तो सुचारू रूप से जीवन को चलाना यह हमारा कर्तव्य भी है, पर जिसकी जन्म नहीं हुई है उनकी जनसंख्या हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। एक इंसान 2, 4, 5 की संख्या में बच्चों को जन्म दे रहे हैं। एक बच्चे को आज सर्वाइव करने में कितनी खर्च है, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, स्वास्थ्य, हर चीज़ को लेके। हम इसको सोचे समझे तो हम 3, 4, 5 बच्चे तो करेंगे ही नहीं। यह जनसंख्या जिस रेशियो से बढ़ रहा है वह हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। यही कारण है आजकल भूकंप क्यों आता है, सुनामी क्यों आता है, सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य के प्रति उतने समर्पित नहीं हैं। हम कुछ सोचते ही नहीं है कि क्या करने से क्या चीज़ होगा। हम अपनी प्रगति करने के लिए हम इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि हम पूरे ज़मीन को खोखला कर दिए। हर जगह मेट्रो, हर जगह नीचे आपको बेसमेंट पे मॉल, 20-20, 40-40, 50-50 मंजिल इमारत बन रही है। पहाड़ों को तोड़ते जा रहे हैं, जंगल को काटते जा रहे हैं। यह सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है, वातावरण पे पड़ता है, जिसका कारण है कि आज हमारी आपका जीवन संकट में है। आज इतने जो बाढ़ आ रहा है, सूखा हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है? इंसान है, मानव जाति है। इतना तक कि चिड़िया घर में भी पानी भर गया तो कितने जानवर तक मर गए। अब उन जानवरों को चिड़ियाघर में पानी भर गए उनको खोला जाए, कहीं ना कहीं इंसानों पे हमला करेंगे, इंसान को क्षति देंगे। हमें इन सब बातों को समझना है, और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हमारी जनसंख्या जैसे जैसे 2019 है 2040 आएगी, ये 2090, जैसे 2040 आएगी, हमारे पूरे सृष्टि एक इतने डेंजर जोन में आ जाएगी कि जहाँ पे सृष्टि का विनाश होना लगभग तय है। और यह प्रलयकारी सबसे ज़्यादा होगा पानी की वजह से। चारों तरफ हर जगह पानी ही पानी दिखाई देगी। अब आप सोचो, जनसंख्या तो बढ़ती गई और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई गई, क्या होगा हमारे देश का, क्या होगा हमारे पूरे विश्व का? क्या इस सृष्टि में हम रह पाएंगे? सृष्टि में रहना संभव नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।